तो गाइस आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, 30 सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में हम बर्फ को जमाने वाले हैं, वो भी बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के और बिना किसी फ्रीजर के। तो दोस्तों इसके अंदर जो यूज करेंगे हम वो सिर्फ नमक का यूज करेंगे और हल्की सी कपूर का यूज करेंगे, और दोस्तों जो पीने वाला पानी होता है उसको हम यूज में लेंगे। दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट है ना ही किसी गैस के माध्यम से होने वाला है, ना ही किसी अलग वस्तु के द्वारा होने वाला है, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ना बहुत ही यूनिक से होने वाला है। दोस्तों आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए, तो गाइस पहले हम ले लेते हैं कपूर जो कि हल्का सा है, और इसमें पहले आग लगा के दिखा देते हैं आपको विश्वास के लिए कि ये कपूर ही है। दोस्तों देखिए इस तरह से ये आग पकड़ेगा, ये देखिए दोस्तों। इसके बाद में हम इसको बुझा देंगे, बुझाने के बाद में इसमें और भी हम कपूर ऐड करेंगे जो कि हल्का सा छुकरन रहेगा, बारीक कर देंगे इसको। बारीक करने के बाद में हम इसमें हल्का सा पानी भी ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों इतना सारा हमने कपूर डाल दिया है, ये कपूर आप ज़्यादा ना डालें, अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये कम असर करेगा, बट हाँ मैंने भी इसमें ज़्यादा डाल दिया है, कोई इशू नहीं है दोस्तों। अब हम इसमें ऐड करेंगे इनो पानी के साथ में, और इसकी जो क्रिया होने वाली है अभी आप देखिए, बड़ी आवाज़ करेगा सुनने से। तो ये तो नॉर्मली करता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो हम जब भी इनो मिलाते हैं तब करते ही आवाज़। लेकिन अब बारी है टाटा साल्ट की, जो कि एक भारत का विश्वास बंद नमक है, और इसको हम ऐड करने वाले हैं इसमें। तो दोस्तों ऐड कर दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे चम्मच के द्वारा। ये हिलाने के बाद में देखिए दोस्तों ये हल्का सा है ना बूंद बूंद सा जमने लगा है, तो इसको और 30 सेकंड तक हम हिलाने वाले हैं। देखिए दोस्तों हल्का सा इसमें जो है क्रिया हो रही है, इसको और हम हिलाएंगे थोड़ी बहुत देर के लिए। दोस्तों देखिए ऊपर ऊपर इसमें बर्फ जमने लगी है हल्की हल्की सी, लेकिन इसमें दोस्तों ये कपूर का कोई महत्व नहीं है। जैसे अब अगर आप देखो तो कपूर जो है ना इसका कोच भी काम नहीं है, ये हमको अलग से ऊपर ही दिखाई दे रही है कि इसका कोई अभी इसमें प्रक्रिया नहीं हुई है, बट ये मुझे नहीं लगता है कि इसमें काम करती है। बट देखिए इसके अंदर है ना हल्का सा ऊपर ऊपर बर्फ जमने लगा है, देख सकते हैं जैसे फ्रीज में रखने के बाद में परत जमती है ना उस तरह से दिखाई दे रहा है। और हम थोड़ा इंतज़ार और करते हैं, ये देखिए चम्मच में भी दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो है ना इसका टेम्परेचर लगभग, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री के समथिंग है, अगर आप जमाना चाहते हैं तो आप जमा सकते हैं, लेकिन अभी और भी माइनस में होने वाला है। देखिए अब तो दोस्तों ये माइनस में जाने लगा है इसका टेम्परेचर, और देखिए जमने भी लगा है बर्फ, देखिए चम्मच में आ रहा है पूरा का पूरा। चले मैं आपको हाथ में लेके दिखाता हूँ एक बार, फिर से चेक करिए, इसका जो पानी का स्तर है ना वो नीचे दिखाई दे रहा है, बट हम हाथ से चेक करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा है इस वजह से, इसको हम है ना दोस्तों मटके में भी जमा सकते हैं, बड़े आसान तरीके से जम सकता है, बट इसके लिए है ना आपको जो मैंने आपको बताया है वो लगने वाला है टाटा साल्ट, इनो और उसके अलावा कपूर। देखिए दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।